श्रीलंका में आर्थिक संकट अब इतना गहरा गया है कि वो राजनीतिक संकट में भी बदल गया है। बता दें कि वहां के लोगों की मांग है कि वहां के राष्ट्रपति गोटबाया जल्द से जल्द अपना इस्तीफा सौंप दे। इसी के चलते कल प्रदर्शनकारियों ने भारी हंगामा करते हुए प्रेसिडेंट के घर को भी कब्जे में ले लिया था और उसकी वीडियोस भी काफी वायरल हो रही थी। ऐसी ही एक और वीडियो अब राष्ट्रपति के घर से सामने आ रही है। बता दें कि कल हमने वीडियोस देखी जिसमें लोग स्विमिंग पूल से लेकर राष्ट्रपति के बेड पर मजे लेते हुए दिख रहे हैं। अब वीडियो सामने आई है जो कि हैरान कर देने वाली है। बता दें कि ये वीडियो पैसे गिनते वक्त की है। करोड़ों से भी अधिक की रकम श्रीलंकाई राष्ट्रपति के घर से प्रदर्शनकारियों को मिले हैं जो कि अब वापस अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही फैक्ट्स सामने आ पाएंगे कि कहां से इतनी रकम आई। बता दें प्रदर्शनकारियों को ये रकम राष्ट्रपति के घर से मिली है। इस पर सुरक्षा अधिकारियों का सूत्रों के मुताबिक कहना है कि जांच के बाद ही फैक्ट्स सामने आ पाएंगे। राजपक्षे की हवेली से बरामद रकम सिक्योरिटी यूनिट को सौंप दी गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।